जैसे 1942 टू 1947 संकल्प से सिद्धि के एक निर्णायक 5 वर्ष थे, मैं देख रहा हूं कि 2017 से 2022 संकल्प के सिद्धि के और एक 5 साल का तबका हमारे सामने आया है। इस 2017 की 15 अगस्त को हम संकल्प पर्व के रूप में मनाएं और 2022 आजादी के जब 75 साल होंगे तब हम उस संकल्प को सिद्धि में परिणत करके ही रहेंगे। अगर 125 करोड़ देशवासी 9 अगस्त क्रांति दिवस को याद करके इस 15 अगस्त को हर भारतवासी संकल्प करेंगे, व्यक्ति के रूप में, नागरिक के रूप में मैं देश के लिए इतना करके रहूंगा, परिवार के रूप में ये करूंगा, समाज के रूप में ये करूंगा, गांव और शहर के रूप में ये करूंगा, सरकारी विभाग के रूप में ये करूंगा, सरकार के नाते ये करूंगा, करोड़ों करोड़ों संकल्प हो, करोड़ों करोड़ों संकल्प को परिपूर्ण करने के प्रयास हो। तो जैसे 1942 टू 1947 5 साल देश को आजादी के लिए निर्णायक बन गए, ये 5 साल 2017 से 2022 के भारत के भविष्य के लिए भी निर्णायक बन सकते हैं और बनाने हैं। 5 साल बाद देश की आजादी के 75 साल मनाएंगे, तब हम सब लोगों को दृढ़ संकल्प लेना है। आज 2017 हमारा संकल्प का वर्ष बनाना है, यही अगस्त मास संकल्प के साथ हमें जुड़ना है और हमें संकल्प करना है, गंदगी भारत छोड़ो, गरीबी भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, आतंकवाद भारत छोड़ो। आज आवश्यकता करेंगे या मरेंगे कि नहीं, बल्कि नए भारत के संकल्प के साथ जुड़ने की है, जुटने की, जी जान से सफलता पाने के लिए पुरुषार्थ करने की है, संकल्प को लेकर के जीना है, जूझना है। आइए इस अगस्त महीने में 9 अगस्त से संकल्प से सिद्धि का एक महाअभियान चलाएं।